हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? आई होप अच्छे होंगे आप सब। मैं भी अच्छी हूँ। और थोड़ा ज़ोर से बोलना पड़ता है क्योंकि आवाज़ नहीं आती है फिर तो। हम अभी नहा धोकर फ्री हुए हैं, नाश्ता वास्ता कर लिए हैं। चाय नाश्ता तो सुबह ही हो गया था और अब बन रहा है खाना। खाना बन रहा है कढ़ी। कढ़ी की रेसिपी तो शेयर नहीं की है मैंने। ये पूजा बनाई थी कढ़ी, लेकिन मैं तो बनाती तो कर लेती, चलो, पर मैं नहीं बनाई थी, मैं नहा रही थी। और ये चावल बन रहा है, बन गया है, अब बनेगी रोटी। तो दाल बन चुकी है पहले से ही, चावल भी बन गई है और कढ़ी बनाया आज बहुत दिनों बाद। तो पसंद है, हमारे घर में सबको बहुत पसंद करते हैं कढ़ी खाना। तो अभी नहा धोकर बच्चे भी फ्री हो गए हैं, अब उनको खाना खिलाएंगे। और बस यही चल रहा है, दोपहर का टाइम हो गया है। और ये पितरन भी उतर गया है, तो अब कोई दिक्कत नहीं है, कढ़ी वढ़ी बन सकती है। पहले कढ़ी नहीं बनती थी इसलिए कि ये पितरन में नहीं बनती है, हमारे यहाँ बेसन वाला चीज़ कुछ भी नहीं बनता है। तो अभी उतर गया है पितरन का टाइम, तो अब बनने लगा है। तो अभी फर्स्ट दिन ही बनी है कढ़ी, अभी तो दो तीन दिन हुए ही तो उतरे हुए। देखो कितनी गर्मी लग रही है, देखो पंखा फैन भी चल रहा है, ये देखो चल रहा है फैन, फिर भी पसीना देखो कितना चल रहा है। ये बच्चे मज़े से टीवी देख रहे हैं, बच्चा दिन भर टीवी देखता रहता है। दिन भर टीवी देखते हो क्यों? इसलिए पढ़ाई नहीं करते? करते हो? कब करोगे पढ़ाई? जब भैया आएंगे तब करोगे, जब ट्यूशन वाले भैया आएंगे तब पढ़ाई करोगे, हैं? ये देखो सब लेटे लेटे टीवी देखते रहते हैं। तो इनका तो दिन भर यही रहता है टीवी देखना। मोबाइल तो नहीं देती हूँ मैं मोबाइल वोबाइल नहीं खेलने देती, बस टीवी देखते रहते हैं। और हो गया, ट्यूशन वाले आएंगे भैया तो पढ़ाएंगे। हेलो गाइस। हाँ, अरे अरे करना, सब्सक्राइब करना, घंटी को जरूर दबाना। ओहो, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। अब बोल दिया ना, अब जरूर करना, मेरा सोना बोला है तो जब सोना बोल दिया करे तो कर दिया करो गाइस। इसको मुंह में नहीं डालो, लग जाएगी। तो चलो मिलते हैं थोड़ी देर बाद। हेलो गाइस, इवनिंग का टाइम हुआ है और हम कर रहे हैं नाश्ता। ये सो रहे हैं छोटे और हम कर रहे हैं नाश्ता। ये क्या है? तो रोटी का पोहा, बहुत टेस्टी बना है, आप भी कभी ट्राई करना, बहुत अच्छा बनता है। एक नंबर लग रही हूँ, और फिर चाय। पोहा जैसे बनाओ इसको, रोटी को मैश करके बहुत अच्छी बनती है। तो खा लेते हैं फिर आपसे मिलते हैं। गाइस, नाइट का टाइम हो गया है, आज हमारे यहाँ बन रही है खिचड़ी। ये चावल है धुला हुआ और ये बन रहा है, इसमें प्याज, जीरा, मिर्ची और आलू डाला है। और ये टमाटर डाल देंगे, फिर टमाटर डालने के बाद नमक
और ये मसाला डाल दो तो बहुत अच्छा टेस्टी बनता है। ये मसाला डाल दिए हैं, फिर चावल डाल के पानी डाल देंगे। तो इस प्रकार से बनाओ तो बहुत टेस्टी बनती है। आज डिनर के लिए बस यही बनेगा। आज हम लोगों ने सोचा थोड़ा नाश्ता कर लिए थे शाम में, तो भूख बहुत कम लगी थी तो ज़्यादा खाने की इच्छा ही नहीं थी, तो बोले चलो खिचड़ी ही बना लेते हैं। तो ये सब फ्राई वाली खिचड़ी बनाएंगे, ये लोगों को बहुत पसंद है, अंजलि और पूजा को स्पेशली, और मैं भी खा लेती हूँ। वैसे हल्की तो वो वाली रहती है सिंपल खिचड़ी, लेकिन ये लोग बोले कि नहीं ये खाएंगे तड़के वाली खाएंगे खिचड़ी। तो हमने कहा बोला ठीक है बना लो, ऐसे ही बना लो। तो अभी यही वाली बनेगी, अब इसमें डाल देंगे टमाटर, देखो पक जाएगा तब इसको में डाल देंगे। अच्छे से भून गया है, अब इसमें टमाटर डाल देंगे और नमक डाल देंगे, अच्छे से गल जाएगा। तो फिर इसमें डाल देंगे चावल और फिर एक सीटी आने तक पकाएंगे। तो चलो बना लेते हैं, फिर आपसे मिलते हैं, दिखाते हैं कैसा बना है। तो अभी तो दिखाई दिए कैसा हो गया है। अब इसमें नमक डालेंगे और चावल और पानी अपने हिसाब से डाल लो और फिर पकने के लिए रख दो और एक सीटी बाद बंद कर दो। तो ये बच्चे खेल रहे हैं, चलो मिलते हैं आपसे थोड़ी देर बाद डिनर के टाइम, फिर दिखाते हैं कैसी बनी है। यम्मी यम्मी। हे गाइस देखिए ये है फेस वॉश, ये बेला वीटा का है और ब्राइटनिंग ब्लेमिशेस, मतलब 10 प्रकार के कुछ भी आपके चेहरे में कुछ भी प्रॉब्लम, कोई भी प्रॉब्लम है, सभी प्रॉब्लम का हल है सिर्फ एक फेस वॉश। बहुत ही अमेजिंग डी टैन फेस, एक्ने, आयुर्वेदा और विटामिन सी और सल्फ क्वालिटी फ्री है और विटामिन सी फेस वॉश है। कॉफ़ी नीम एंड मिंट, ये फेस के लिए कितना अच्छा होता है आप सभी लोग जानते होंगे, बहुत अच्छा है, अमेजिंग। इस समय मैं यही यूज करती हूँ, अभी मैं इसी को यूज करने जा रही हूँ। तो इसका ये कुछ ऐसा है, ये देखो इसकी आवाज़ भी आती है और टेबल में भी कोई दिक्कत नहीं होगी कहीं अगर ले जाना है। और ये है कितने एवल का है, ये है पता नहीं दिख नहीं रहा है अभी, लेवल का है, हाँ 225 एमएल का है यहाँ पे लिखा है, 225। ये उल्टा दिख रहा है पर बहुत अच्छा है, देखो इतना सा मैंने यूज कर लिया है और बहुत अच्छा लगा, एकदम रंगीन टेक्सचर है। तो ऐसे कर देंगे और फेस को हीलर करके झाग नहीं देता, एकदम ऐसे ही है। चलो मैं मुंह धुल के आती हूँ, बहुत अच्छा है, एकदम फ्रेग्रेंस तो बहुत अच्छी नहीं है, ठीक ठाक है पर ये बहुत अच्छा है, एकदम दाग धब्बे सब रिमूव हो जाते हैं और डी टैन भी रिमूव हो जाता है और विटामिन सी है। और इसके अंदर ये देखो ये दाने भी हैं, पता नहीं ये किसके दाने हैं, और आयुर्वेदा है पूरा, बहुत अच्छा है। और देखो अभी समझ नहीं ये तो लगाए थे, मैं वो धुल के आती हूँ, ये देखिए धुल के आ गए हैं। और आप एक बार ज़रूर ट्राई करना है, इसको बहुत ज़्यादा अच्छा है। और आप मैं इसकी
कोई मुझे भेजा नहीं है, ना किसी ने रिव्यू करने के लिए भेजा, आप लोग ये मत समझना। मुझे ये अच्छा लगा इसलिए मैं आप सबके साथ इसको शेयर कर रही हूँ। ये मुझे बहुत ही पसंद आया ये वाला फेस वॉश, और विटामिन सी डी टैनिंग जितनी भी अपने फेस के लिए चाहिए वो सब है इसमें, और ये है तो इसमें मुझे और भी अच्छा लग रहा है कि ये आखिर क्या डाला हुआ होगा। तो मुझे तो ये बहुत पसंद आया, अगर आपको भी लेना हो, कोई अच्छा सा फेस वॉश ढूंढ रहे हो तो ये वाला ज़रूर ट्राई कर लें एक बार। तो फिर कमेंट में ज़रूर बताना कि आपको ये कैसा लगा। मेरे हिसाब से तो मुझे बहुत अच्छा लगा, आप सबको भी अच्छा लगेगा ये मुझे लग रहा है। तो चलो अगर ट्राई करना हो तो कर सकते हो। सो गाइस, बन गया है खिचड़ी देखिए। तो हम कर लेते हैं डिनर, निकाल लेते हैं। और ये फ्राई राइस है, खिचड़ी नहीं है, फ्राई राइस है। तो बहुत टेस्टी लगता है ये, आप भी बनाकर कभी ट्राई करना, बहुत अच्छा बनता है ये, बहुत टेस्टी लगता है। बस सिंपल सा कुछ खाना हो तो इसे लगा बना लो। और ये 3 प्लेट लग रही हैं, अंजलि, पूजा और मैं। तो अभी हम सब डिनर नहीं किए हैं तो मैंने सोचा कर लेते हैं, अब बहुत टाइम हो गया है तो अब कर लेते हैं। डिनर हो गया और फिर इसके बाद में बच्चों को खिला दिए थे, बस हम लोग नहीं खाए थे। तो मैंने कहा चलो अभी खा लो, अब टाइम हो गया है सोने का तो पहले खा लो, फिर ज़्यादा देर हो जाएगी तो बच्चों को सुलाना भी पड़ता है। देखो अभी जब तक मैं सुलाऊंगी नहीं तब तक ये सोएंगे नहीं, मैं बस ऐसे मस्ती करते रहते हैं। तो जब मैं खा पी के और फिर इनको ले जाकर स्किन केयर करूँगी, अभी आधा घंटे तो ऐसे में ही चले जाते हैं, तो जब तक मैं इनको ले जाकर सुलाऊंगी नहीं तब तक सोएंगे नहीं, ऐसे ही खेलते रहेंगे इधर उधर और खुद से नहीं सोते हैं। उनको जब ले जाओ बिस्तर में लिटाओ और ज़बरदस्ती सुलाओ तब सोते हैं, अपने से नहीं बोलते कि मुझे नींद आ रही है सोना है, तो इनको ऐसा है। तो बच्चे ऐसे ऑलमोस्ट ऐसे ही होते हैं सबके, और किसी किसी के होते हैं कि खुद से ही बोलते हैं कि मुझे नींद आ रही है मुझे सोना है, बाकी ज़्यादातर बच्चे ऐसे ही होते हैं कि सोने में बहुत प्रॉब्लम करते हैं और खेलने में मस्ती करने में उनको मज़ा आता है, तो ये मस्ती करते रहते हैं दिन भर, और जब तक नहीं सुलाओगे तब तक ऐसे ही खेलते रहेंगे कूदते रहेंगे। तो इसलिए मैंने कहा चलो अभी खा लो, फिर इसके बाद में अपना, तो वो उनका पेपर है ऑनलाइन तो वो अभी पढ़ाई कर रही थी, तो मैंने कहा चलो खा लो फिर इसके बाद में तुम पढ़ाई करना और हम बच्चों को सिलाएंगे। तो चलो हम खा लेते हैं, फिर मिलेंगे अगले ब्लॉग में। तो अभी ब्लॉग का यहीं एंड करते हैं और मिलेंगे अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करना, उससे मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन आपके मोबाइल में पहुँच जाएगी। तो बाय, गुड नाइट।